नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्टिमा फंगिसाइड के बारे में, इसके टेक्निकल डोज तथा यह धान की फसल के लिए मुख्य फंगिसाइड तथा इसका रिजल्ट अभी एक तरफा है, इसका संपूर्ण जानकारी मिलेगा किसान भाइयों, तो बने रहें इस वीडियो पे। और जो हमारे किसान मित्र नए आए हों वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको कृषि संबंधी जानकारी इसी प्रकार से समय समय पे मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। BASF कंपनी का सेल्टिमा फंगिसाइड की विशेषता की बात करें तो सेल्टिमा विशेष रूप से चावल के किसानों को जलीय पर्यावरण को संरक्षित करते हुए उनके पौधे को फंगस रोग से बचाने के लिए एक अत्यधिक प्रभावी समाधान प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। इसके डालने के फायदे के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, यह एक समान बालियों के विकास करता है, अधिक एवं वजनदार दाने बनाता है, या लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट तथा नोड ब्लास्ट को प्रभावी प्रबंधन के रूप में कंट्रोल कर लेता है। इसकी विशेष एनकैप्सुलेशन तकनीक से यह सुनिश्चित करती है कि दवा पत्तियों की सतह में बनी रहती है, जिसके कारण जब पौधे को समय में इसकी ज़रूरत पड़ती है तो यह उपलब्ध होता रहता है। BASF कंपनी का सेल्टिमा फंगिसाइड वास्तव में नाइट्रोजन के उपयोग की क्षमता बढ़ाकर फसल को हरा भरा बनाए रखता है, इस कारण पौधे के प्रकाश संश्लेषण में योगदान दे पाता है। झंडा पत्ती होती है वह रोग मुक्त और सीधा होने के कारण अधिकांश समय तक धूप में रहकर अतिरिक्त भोजन बनाने में मदद करता है, और यह अतिरिक्त भोजन फसल को एक समान रूप से बालियों के निकलने में मदद करता है। सेल्टिमा फंगिसाइड में कौन सा टेक्निकल या केमिकल मिला है तो बता दे किसान भाइयों, इसमें पैराक्लोस्ट्रोबिन 10% जो कि हमें CS फॉर्मुलेशन में मिलता है, CS मतलब कैप्सूल सस्पेंशन। ये टेक्निकल खासकर धान में लगने वाले फंगस को बेहतरीन रूप से कंट्रोल करने का काम करता है किसान भाइयों, क्योंकि इसके स्प्रे करने के साथ ही आपके फसल हरा भरा दिखाई देने लगता है तथा पौधे के विभिन्न हिस्सों में क्लोरोफिल तथा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ये फंगिसाइड का बॉटल ब्लू लेबल के साथ आता है। वही इसकी डोज या मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, 400 ml प्रति एक एकड़ के दर से हम इसे 180 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे करें तथा पानी की मात्रा किसान भाई कम न करें। अच्छी तरीका से आपके फसल में छिड़काव होगा तो रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। इसका स्प्रे किसान भाई अपनी फसल में दो बार कर सकते हैं, पहला स्प्रे जब कंसा या कल्लों का निर्माण हो रहा हो और दूसरा स्प्रे जब आपकी धान की फसल में फूल निकलकर तैयार हो तथा फूलों का निर्माण हो रहा हो। इसका स्प्रे किसान भाई दो बार से अधिक ना करें। वहीं इसकी रिजल्ट टाइम तथा रेन फास्टनेस की बात करें तो किसान भाइयों, इसके एक बार स्प्रे करने से 18 से 20 दिन तक आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। वही रेन फास्टनेस अगर स्प्रे के 2 से 3 घंटे बाद अगर बरसात भी होती है तो इसका रिजल्ट कम नहीं होगा, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। वहीं मार्केट में 1 लीटर का सेल्टिमा फंगिसाइड आपको 1600 से 1700 तक आसानी से मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सीधा और सटीक नॉलेज मिला हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों। जय हिंद। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.